किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भरा की शुरुआत शिव की महिमा से करते हैं। शिव की महिमा होती है अपरंपार, जो सभी भक्तों का कराती है बेड़ा पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCP24 न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं अवंती विहार स्थित शिव मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं आज सावन का पहला सोमवार होने के कारण यहाँ पे शिव भक्तों का कैसा तांता लगा हुआ है। वैसे तो शिव मंदिर से जिस दिन से सावन की शुरुआत हुई है उस दिन से भीड़ है, लेकिन आज पहले सोमवार होने के कारण यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लगातार भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और शिव भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इस साल 2 महीने का सोमवार पड़ने वाला है, तो आइए पंडित जी से जानेंगे क्या कुछ शुभ रहने वाला है। पंडित जी, इस बार सावन 2 महीने का पड़ रहा है, कितने वर्षों बाद ये संयोग बैठा है और क्या कुछ खास है? 30 वर्षों के बाद अधिक मास, जिसे श्रावण मास कहा गया है, भी पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, इसे मल मास भी कहा गया है। इस मास में 33-33 वस्तुओं का दान होता है और 33 कोई भी वस्तु, चाहे लौंग हो, चाहे इलायची हो, दीपक हो, इत्यादि का दान होता है। इसमें पूजा पाठ इत्यादि किया जाना, यानी डायरेक्ट भगवान शिव के लोक को प्राप्ति होती है। 8 सोमवार पड़ रहा है, अद्भुत संयोग है, सर्वार सिद्धि योग, रवि योग एवं याजी योग जिसे कहा गया है, काल सत दोष के निवारण के लिए भी इस दिन पूजा आप कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया 8 सोमवार पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ 4 सोमवार ही इसमें खास होने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? जी, 4 सोमवार जो मुख्य सोमवार है वह श्रावण के हैं और 4 जो सोमवार है वह अधिक मास के हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि आज के दिन व्रत किया हुआ, पूजा पाठ किया हुआ या उपवास किया हुआ अनंत गुना फल दिया गया है, यह पुरुषोत्तम मास की कथा में लिखा हुआ है। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि 4 सोमवार सावन का सोमवार है, तो इस महीने जो 4 सोमवार पड़ने वाले हैं वो 4 सावन के हैं या फिर इस महीने दो अगले महीने? जी, श्रावण के सोमवार 4 जुलाई से प्रारंभ हुआ श्रावण, तो 4 जुलाई से लेकर 17 तारीख तक ये 15 दिन शुद्ध माने गए हैं, जिसे शुद्ध श्रावण कहा गया है। इसके बाद में आखिरी के 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के जो सावन रहेगा अगस्त के महीने में, वह शुद्ध माना गया है। और बीच का एक महीना यह मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा गया है वह माना जाएगा। सावन का पहला सोमवार है, किस प्रकार से भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है? जी, यहाँ हर वर्ष भीड़ तो होती है, परंतु इस बार अत्यधिक भीड़ है, क्योंकि अधिक मास होने के कारण और प्रातःकालीन 4 बजे से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ भी बहुत सारी भक्त लोग यहाँ आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और हमारे सभी भक्त लोग यहाँ पे व्यवस्था भी देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देख रहा है। शिवाय नमः। बहुत अच्छा, आज तो यहाँ भक्तों के सैलाब उमड़ा हुआ है और शिवमय हो गया है पूरा वातावरण। और ये सावन तो बहुत खास महत्व रखता है, क्योंकि ये जो है इस साल हमारे जो है पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, भोले भगवान की अपार कृपा पूरे दुनिया में बरसने वाली है और शिव की महिमा बहुत अपरंपार है। आज जो है हर रायपुर का हर कोना कोना शिव भक्त है, छत्तीसगढ़ पूरा कोना कोना शिव भक्त है। ऐसे मेरे को कम से कम 10 साल हो गया इधर, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, मन एकदम आध्यात्मिक और शांति से अभिभूत हो जाता है। मैंने तो ये दूसरी बार आया है, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा वो है। अच्छा, हाँ, सावन का मैं बहुत अच्छा लग रहा है, आज फास्ट है हम लोगों का और अभी तो लंबा चलना है, हर सोमवार को आते, हर सोमवार पूजा करेंगे, बहुत अच्छी मंदिर आराम से। हाँ, इस बार 2 महीने का सावन, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, यानी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय के बाद ये हमें मौका मिल रहा है भोले बाबा की तरफ से। मैं तो वैसे भोले बाबा के यहाँ काफ़ी समय से आ रहा हूँ, कम से कम मुझे 20 साल हो गया यहाँ, इस बार शिफ्ट हुआ हूँ तो 1 साल से आ ही रहा हूँ। हम 12 महीने ही आते हैं।
दियों की ओट में। श्री शिवाय नमस्तुत्यम। आज सावन का पहला सोमवार है और सब लोग भक्ति से पूजने आ रहे हैं शंकर जी को। शिव जी की पूजा तो हमेशा की है मैंने, काफी समय से कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सावन का महीना और अधिक मास भी आगे चल के पड़ेगा अगस्त में। नहीं, लगातार आते हैं लेकिन सोमवार सोमवार को आते हैं, रोज नहीं आ पाते। हाँ, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। तो आज सावन का पहला सोमवार था तो आज हम आपको ला पहुंचे थे अवंती विहार के शिव मंदिर। जो लोग मंदिर नहीं आ पाए वो घर बैठे ही भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और ऐसे ही हम आपको हर सोमवार भगवान शिव के अलग अलग मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ मैं अदिति जसवाल, रायपुर।